काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए, हो सके तो कुछ ऐसा करो मेरे दोस्तों कि आपका जीवन एक मिसाल बन जाए। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप खरे। आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज जिस शख्सियत की सच्ची कहानी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, उनका नाम है सरबजीत सिंह। सरबजीत सिंह ने अपने जीवन में एक नहीं, अनेक ऐसे काम किए जिनके कारण उन्होंने लोगों की सेवा की और निस्वार्थ भावना से ऐसे ऐसे काम किए जिससे उनका जीवन वाकई एक मिसाल बन गया। तो चलिए, सरबजीत सिंह के बारे में जानने के लिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। सरबजीत सिंह को स्कूल की पढ़ाई 5वीं क्लास के बाद छोड़नी पड़ी। इसके बाद वो यूं ही घूमते रहते थे। इनके दोस्तों ने इनका निकनेम रख दिया वेला बॉबी। वेला जिसका मतलब है खाली, जिसके पास कोई काम नहीं है। जी हाँ, सरबजीत सिंह को शुरू से दूसरों की मदद करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए हमेशा उनका जज्बा रहता था और ये जज्बा बाद में उनका जुनून बन गया। बड़े होकर के सरबजीत सिंह ने एक जूते की दुकान शुरू की। इस दुकान की आमदनी से उनके घर की रोजी रोटी चलती थी। शिमला में एक गुरुद्वारा है, ये गुरुद्वारा ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज करते थे। सरबजीत सिंह इसके साथ शामिल हुए, उन्होंने ब्लड डोनेट भी किया और बाकी एक्टिविटीज़ में भी हेल्प किया। लेकिन कुछ समय बाद इस संस्था ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाना बंद कर दिया। सरबजीत सिंह ने ये जिम्मेदारी खुद ले ली और उन्होंने शिमला में रिज ग्राउंड में हर संडे को ब्लड डोनेशन कैंप लगाना शुरू कर दिया। और आप जानते हैं, पिछले करीब 10 सालों में पूरे हिमाचल प्रदेश का जो ब्लड बैंक्स का रिक्वायरमेंट है, उसका 60% सरबजीत सिंह द्वारा लगाए गए ब्लड डोनेशन कैंप से प्राप्त होता है। है ना बहुत बड़ी बात। कुछ समय पहले सरबजीत सिंह को डायबिटीज डायग्नोस हो गया, तो डॉक्टर ने उनको मना कर दिया कि आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। लेकिन सरबजीत सिंह ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने बेटे की ऐसी परवरिश की कि बेटा, उसने ब्लड डोनेट करना शुरू कर दिया और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस मुहिम में भाग ले रहा है। है ना बहुत अच्छी बात। शिमला में एक कैंसर हॉस्पिटल है, IGMC। इसमें सरबजीत सिंह का एक बार जाना हुआ तो उन्होंने पाया कि यहाँ पर जो पेशेंट्स होते हैं, उनके अटेंडेंट्स होते हैं, वो एक कप चाय के लिए मोहताज हो रहे हैं। कारण, वहाँ पर कोई कैंटीन नहीं है। सरबजीत सिंह ने ये बड़ा उठाया। उन्होंने सुबह 7 से 8 बजे के टाइम में वहाँ लोगों को फ्री चाय और बिस्किट देना शुरू किया। इसमें पेशेंट्स, अटेंडेंट्स, हॉस्पिटल स्टाफ, जो लोग भी आ जाते थे, सभी को दिया जाता था। ये मुहिम शुरू हुई और बहुत लोग इसमें जुड़ते गए। धीरे धीरे उन्होंने न सिर्फ चाय बिस्किट, इसके अलावा दलिया, सूप और दाल चावल भी देना शुरू कर दिया। लोगों को इससे जुड़ने का बड़ा अच्छा मौका मिला। जब उनका जन्मदिन होता था या कोई मैरिज एनिवर्सरी होती थी तो सरबजीत सिंह को 3100 रुपये डोनेट करते थे और इस अमाउंट से सरबजीत सिंह 300 लोगों को खाना खिलाते थे। है ना बहुत अच्छी बात। ये काम चलता रहा। सरबजीत सिंह ने देखा कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो उन्होंने कमला नेहरू हॉस्पिटल, जो कि शिमला में, वहाँ पर भी इसी तरह का फ्री लंगर लगाना शुरू कर दिया। अब एक प्रॉब्लम आई कि दाल चावल बनाना तो आसान है, लेकिन रोटियाँ बनाना आसान नहीं है। तो सरबजीत सिंह ने इसका एक अनोखा हल निकाला। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लिया, रोटी बैंक। जी हाँ, रोटी बैंक का मतलब है कि लोगों को कहा गया कि अपने घर में कम से कम 2 रोटी एक्स्ट्रा बनाएं और रोटी बैंक को डोनेट करें। इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला और
एक और बहुत अच्छा काम किया सरबजीत सिंह ने, स्कूल के बच्चों को इस मुहिम से जोड़ दिया। उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो बच्चे टिफिन में अपने रोटी लाया करते थे वो एक रोटी एक्स्ट्रा लाते थे और ये रोटी बैंक में डोनेट कर देते थे। आज की तारीख में शिमला में 40 से ऊपर रोटी बैंक चल रहे हैं और इन सारी रोटी बैंक से कलेक्शन करीब 5,000 रोटियां हो जाती हैं। ये फ्री लंगर जो चलता है दोनों हॉस्पिटल में उसमें काम आती हैं। क्या आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये जो लंगर चलते हैं इनमें एक दिन का खर्चा कितना आता होगा? दिल थाम कर सुनिए, इसका खर्चा आता है 50,000 रुपये पर डे। जी हाँ, 50,000 एवरी डे। अब आप सोचेंगे ये पैसा आता कहाँ से है? जी हाँ, इसमें श्रेय है, सारा जादू है फेसबुक का। सरबजीत सिंह ने फेसबुक पेज बनाया, उस पर एक पोस्ट डाली थी वेला बॉबी, जिसमें इस लंगर के बारे में बताया गया। ये पोस्ट इतनी वायरल हुई कि उनके पास डोनेशंस आना शुरू हो गए, यूके से, यूएसए से, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों से। इसके बाद सरबजीत सिंह को पैसों की कभी कमी नहीं पड़ी और ये पूरे जोश के साथ ये काम करते रहे। इस लंगर की एक और विशेषता है कि खाना खाने के पहले सभी लोग प्रार्थना करते हैं, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और फिर भोजन करते हैं। सरबजीत सिंह को एक और शौक था, वो है ड्राइविंग, गाड़ी चलाने का। इस शौक को सरबजीत सिंह ने एक बड़े अनोखे अंदाज में समाज सेवा में बदल दिया। बात ऐसी थी कि जो शिमला के हॉस्पिटल्स थे वहाँ पर कोई फ्यूनरल वैन नहीं होती थी, यानी किसी की अगर डेथ हो जाए हॉस्पिटल में तो उसके घर तक उसको डेड बॉडी को ले जाने के लिए या क्रिमेशन ग्राउंड पर ले जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके बदले में एक गुरुद्वारा सेवक समिति थी, ये गुरुद्वारा सेवा समिति जो है एक फ्यूनरल वैन चलाती थी, लेकिन उसका समय केवल 10 बजे सुबह से शाम के 5 बजे तक होता था। सरबजीत सिंह ने वॉलंटियर किया कि वो 5 बजे के बाद अगले दिन सुबह 10 बजे तक इसकी ड्यूटी करेंगे। इतनी अच्छी उनकी सेवा देखते हुए लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और 3 लाख रुपये इकट्ठे करके 2012 में एक वैन सरबजीत सिंह को लोगों ने गिफ्ट की। ये फ्यूनरल वैन बन गई और इससे सरबजीत सिंह दिन रात सेवा करते हैं। किसी भी हॉस्पिटल में किसी की डेथ होती है तो वो डेड बॉडी को घर तक पहुंचाते हैं या क्रिमेशन ग्राउंड तक पहुंचाते हैं। उनका कहना है कि उनके बाद उनका बेटा ये फ्यूनरल वैन चलाएगा। कितने अच्छे संस्कार दिए बच्चे को उन्होंने। सरबजीत सिंह कहते हैं, और मुझे इस बात से बहुत खुशी होती है, कि अगर आपको वो संतुष्टि महसूस करना है अच्छे काम की तो आसपास कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल देखिए, वहाँ चले जाइए और वहाँ पर पेशेंट्स को, अटेंडेंट्स को चाय पिलाइए, बिस्किट दीजिए। आपको इतना आनंद आएगा जितना किसी भी धार्मिक स्थान में जाकर नहीं मिल सकता है। यकीन मानिए, ये सच्ची मानव सेवा है। सरबजीत सिंह एक और वाक्य कहते हैं जो मेरे दिल को छू जाता है, आपके दिल को भी छू जाएगा। उनका कहना है, गरीब का मुंह गुरु की गुल्लक, यानी जो भी हमने गरीब व्यक्ति को खाना खिलाया है वो सीधा ईश्वर के पास जाता है। आशा है आपको इस सच्ची कहानी से प्रेरणा मिली होगी और आपने जरूर कुछ निर्णय लिया होगा कि आप भी कुछ अच्छा काम करेंगे जिसमें आपके जीवन की भी मिसाल बन जाए। लिया है ना ऐसा निर्णय? जी हाँ। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।